संगीत की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित समारोह में से एक ग्रैमी अवार्ड समारोह में भारत की धूम देखने को मिली है। कुल 5 अवार्ड भारत की झोली में आए हैं। शंकर महादेवन, मशहूर गायक जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, मस्तक ऊंचा किया है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर महादेवन जी, NDTV इंडिया को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। भारत की तरफ से आपको अनेक शुभकामनाएं, NDTV परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इस अवार्ड को जीतने के बाद लिखा, सर इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, इतने सालों का सपना, इतने सालों की मेहनत रंग लेकर आई है। वो पल सर साझा कीजिए जब अवार्ड आपने हासिल किया, वो एक्सपीरियंस। अब शब्दों में ये एक्सपीरियंस को बयां करना बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए हर एक आर्ट के क्षेत्र में कई ऐसे मकाम होते हैं जिनको, जो मकाम पाने के लिए मतलब जब वो पाते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब सफल हुआ है हमारा एक जर्नी। जैसे क्रिकेट में आप समझो इंडिया के लिए खेल रहे तो वो बहुत बड़ी बात है। सिमिलरली म्यूजिक में ग्रैमी अवार्ड्स जो है वो विश्व के सबसे बड़े अवार्ड फंक्शन में से है, जिनमें मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे हमारे जो ग्रुप है शक्ति, उसके लिए हम लोगों को बेस्ट ग्लोबल एल्बम का अवार्ड मिला। और ये जो श्रेय है ये केवल मेरा नहीं है, हमारे जो गुरु हैं जॉन मैक्लॉफ्लिन जी, उस्ताद जाकिर हुसैन जी, और मेरे जो भाई हैं सेल्व गणेश जी, गणेश राजगोपालन जी, हमारा एक बैंड है जो हम लोग करीब 25 साल से मैं ये बैंड के साथ हूँ, और ये जो बैंड है वो 50 साल पुराना है जी। तो एक लेजेंडरी बैंड है और उसको ग्रैमी मिला है, तो ये बहुत बड़ी बात है और गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया के लिए आई एम वेरी हैप्पी जी। फ्यूजन शक्ति बैंड जो है काफी पुराना है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी ये भी बताइए जरा। देखिए 50 साल पहले जॉन मैक्लॉफ्लिन जी और जाकिर हुसैन जी, इन्होंने ये बैंड इसको इसकी स्थापना की थी, और इसमें थे विकू विनायक राम जी, एल शंकर, ऐसे कई लेजेंडरी आर्टिस्ट थे। विकू विनायक राम है वो सेल्व गणेश जी के पिता हैं। तो उसके बाद बीच में एक ब्रेक आ गया था, उसके बाद जो री इनकारनेशन ऑफ शक्ति जिसमें हम लोग सब हैं, हम लोगों ने शुरू किया ही है। और इसका जो संगीत है उसमें मेनली भारत की तरफ से जी। हम अपना भारतीय शास्त्रीय संगीत इसमें बहुत अच्छी तरह से हम डिस्प्ले करते हैं पाश्चात्य संगीत के साथ, तो हम लोग इट्स अ फ्यूजन। पर ये कॉन्सेप्ट के पायनियर्स थे शक्ति। उसके बाद कई लोगों ने बहुत सारे फ्यूजन ग्रुप्स, फ्यूजन एक नॉर्मल वर्ड हो चुका है, लेकिन इसका जो पायनियर 50 साल पहले जो शुरू किया था वो शक्ति बैंड से ही शुरू हुआ। तो ऐसे हमारा जो संगीत है विश्व भर में लोग सुनते हैं, दैट इज हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, क्लासिकल म्यूजिक है, वो राग रागनिया ताल जो कॉम्प्लिकेटेड रिदम्स हैं, ये सब सुन के बहुत पीपल आर सो, मतलब उनको समझ में नहीं आता कि इस तरह का जो डेप्थ वाली संगीत कौन से देश से आ सकता है। तो वी आर रियली प्राउड टू प्रेजेंट आवर म्यूजिक टू द वर्ल्ड जी। शक्ति बैंड की शक्ति को दुनिया ने देखा है, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि भारत हर एक क्षेत्र में अपनी ताकत किस तरीके से दिखा रहा है। भारत का लोहा पूरी दुनिया मान रहा है, और अब संगीत का दबदबा भी जो है देखते ही बन रहा है। क्या आने वाला समय, जैसे कि हम हर एक क्षेत्र में अपनी धाक जमा रहे हैं, क्या संगीत में भी ऐसा कुछ देख रहे हैं आप? एब्सोल्युटली, ये जो क्या है, एक बार ऐसे अवार्ड मिलने से ये केवल हमको फायदा नहीं होता है, उससे पूरे भारत के जो म्यूजिशियंस हैं उन पर एक फोकस आ जाता है कि ओ माय गॉड, ऐसे देश से ऐसा म्यूजिक निकलता है। तो पूरे विश्व भर से ये जो अवार्ड है ये केवल अमेरिका में होता है, लेकिन वहां पर विश्व भर से म्यूजिशियंस आते हैं, जापान हो, अफ्रीका हो, अरेबिक कंट्रीज हो, या चीन हो, सब जगह से आते हैं लोग म्यूजिक। तो पूरे विश्व का जो फोकस है वो इंडिया पर है, क्योंकि इंडिया ने जीता है। सो कोलैबोरेशंस की जो पॉसिबिलिटी है, वर्ल्ड म्यूजिशियंस के साथ नए नए प्रोजेक्ट्स होने की पॉसिबिलिटी है, हॉलीवुड में जाने की पॉसिबिलिटी, ये सब
ग्रैमीज के वजह से एक नया 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 द्वार खुलता जाता है जी। महादेवन जी, आपने बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम किए हैं और ये सपना जो आपने देखा है ये भी साकार हुआ है, अब अगला क्या? अभी तो ये तो शुरुआत है। अच्छा, बिकॉज अभी क्या है, हमने म्यूजिकली एक विश्व भर में इंटरनेशनल मार्केट में एक मार्क बना लिया है। अभी बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं जो कोलैबोरेट करना चाहेंगे, नए नए एल्बम्स निकालना चाहेंगे मेरे साथ या शक्ति के साथ या शक्ति के अलग अलग मेंबर्स के साथ। तो दिस इज अ न्यू डोर ओपनिंग, यू नो, और बहुत सारे कोलैबोरेशंस होंगे, एल्बम्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स होंगे। तो ये तो बस शुरुआत है, यही कहूंगा मैं। अच्छा, ये तो अभी शुरुआत है, ट्रेलर है, पिक्चर अभी आना बाकी है। युवा खासतौर पर जो संगीत की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? यही कहूंगा कि देखिए, मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मेरे हाथों में ग्रैमी अवार्ड कभी आएगा। हम लोग सिर्फ टीवी में ग्रैमी फंक्शन देखते थे जी, यू नो, कि वाह 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 क्या बढ़िया फंक्शन है, और ये हमारे जहन में भी आया नहीं कि कभी मैं भी उसका एक भाग हिस्सा होगा और मुझे भी एक अवार्ड मिलेगा कभी। तो यही कहना चाहूंगा यंग म्यूजिशियन से कि कुछ भी आप पा सकते हैं, यू नो, आप अगर ड्रीम करो, आप मेहनत करो, आप फोकस करो, परसिवियरेंस एंड पेशेंस के साथ यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। मेरे हिसाब से देखिए, मैं एक छोटा सा मिडिल क्लास फैमिली चेंबूर से आया हुआ लड़का, दो दिन पहले जाके विश्व भर का जो सबसे बड़ा जो फंक्शन है, ग्रैमी फंक्शन, वहां पर जाके मैंने अवार्ड लिया। तो मैं ले सकता हूँ, तो कोई भी ले सकता है। अच्छा, मोस्ट टचिंग मोमेंट वॉज, आपने ये अवार्ड कहीं ना कहीं अपनी धर्म पत्नी को भी डेडिकेट किया है, उनका क्या रिएक्शन था, किस तरीके से सपोर्ट हमेशा से उनका मिलता रहा है? उनका तो हमेशा सपोर्ट ही है, और वो जो मैं जो भी कर रहा हूँ ये हमारी खुशी के लिए, हमारा एक, यू नो, इट्स अनसेड थिंग। तो मुझे इतने बड़े मंच पे मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो सुर है जी, वो मैं उसको डेडिकेट करना चाहिए, क्योंकि मैं उसके बिना तो कुछ मतलब ही नहीं है लाइफ में। तो हमारा जब भी एक ऐसा मन करता है तो मैं ऐसे डेडिकेट करता हूँ उनको। उसके लिए मैंने कहा कि मेरे जो हर सुर है वो उनके लिए है, बिकॉज आई थिंक लाइफ इज ऑल अबाउट लव, प्यार ही सबसे बड़ी चीज है। और अगर आपको सही साथी मिले जो आपको प्रोत्साहित करे और आपको गाइड करे और आपको आगे ले जाए, तो गॉड इज काइंड टू यू, और मेरे साथ आई रियली फील दैट गॉड इज काइंड। सर, कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स जी। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। भारत माता की जय। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। थैंक यू। क्योंकि देश से सर लगातार आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे होंगे, व्हाट वाज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, और अपने साथियों के बारे में कुछ बताइए। बस मैं यही कहूंगा कि सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम में स्टोरी हमारे म्यूजिक को रख के उन्होंने किया है, पीयूष गोयल जी ने किया है, नितिन गडकरी जी जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उन्होंने भी किया है। तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है, और ये सब इंस्पायरिंग लीडर्स हैं, इनका काम बहुत ही अद्भुत है। तो इन्होंने अगर ये हमको सराहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। सर, एक और गाना सर, क्योंकि शंकर महादेवन आपका नाम सर, एक गाना शंकर के लिए, शिव शंकर के लिए। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावि पस्थले गलेव लभ्य लंबिता भुजंग तुंग मालिका दमन 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 निनाद वड्ड मर्वयम चकार चंड तांडवम करोतु न शिवम शिवम ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए, और एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं।